माइक्रोवेव टी जंक्शन मैजिक टी जंक्शन, इसमें हम मैजिक टी जंक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारी जो वेव गाइड होती है वो एक मेटेलिक होलो ट्यूब होती है जो कि जिसका एक अपना क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इनर वॉल्स में से ट्रांसमिट करने का काम करती है। अगर हम माइक्रोवेव एनर्जी को स्प्लिट करना चाहते हैं तो उसके साथ हम एक और वेवगाइड जोड़ देते हैं जिसे वेवगाइड जंक्शन बोलते हैं। इस तरह हम काफ़ी सारे वेवगाइड्स को जोड़ के अपना सिग्नल स्प्लिट कर सकते हैं। और मैजिक टी जंक्शन एक इंटरनेशनल फोर वेव गाइड है जो कि एच आर्म और ई आर्म के कम्बिनेशन से बन। सबसे पहले वेव गाइड जो कि एक होलो मेटेलिक ट्यूब होती है जिसमें से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफ़र करते हैं। ये वेव्स हमारे इसके इनर पार्ट्स में से टकरा के हमारे रिसीवर तक पहुंचती है। ये होती है हमारी वेव गाइड जिसके दो पोर्ट होते हैं, पोर्ट वन एंड। जब हम इस वेव गाइड को इसके रेक्टेंगुलर स्लॉट से काटते हैं और उसके साथ एक अनदर वेव गाइड अटैच करते हैं तो हमारी एच प्लेन बनती है जिसको हम एच आर्म बोलते हैं। ये वेव गाइड उसकी वेव गाइड की मेन वेव गाइड की जो लीनियर वेव गाइड होती है उसकी विड्थ से काटी जाती है और उस पर एक अनदर वेव गाइड अटैच की जाती है जो हमारा पोर्ट थ्री है। ये हमारे इंग्लिश लेटर कैपिटल टी की तरह होती है, ये हमारी एच आर्म है। और अगर हम अपने ब्रेड से माइक्रोवेव को काटते हैं मेन माइक्रोवेव गाइड को और उसकी जगह एक अनदर वेव गाइड जोड़ देते हैं उस आर्म को हम ई आर्म कहते हैं। और अगर हम मैजिक टी की बात करें तो जब हम ई और एच आर्म दोनों आर्म को कंबाइन करते हैं अपनी वेव गाइड से, यानी कि एच आर्म जो कि ब्रेड से काट के लगाई जाती है, ई आर्म जो ब्रेड से काट के लगाई जाती है, दोनों को हम मेन वेव गाइड के साथ अटैच कर देते हैं उसको हम ई एच प्लेन भी कहते हैं और मैजिक टी भी कहते हैं। ये हमारी एच आर्म है जो पोर्ट थ्री को शो करती है, ये हमारी ई आर्म है जो कि पोर्ट एच को शो करती है। इसके फोर पोर्ट होते हैं, ये हमारी मैजिक टी होती है। अगर हम इसके फोर पोर्ट्स की बात करें, ये है हमारे मैजिक टी के फोर पोर्ट्स। जो हमारा फर्स्ट पोर्ट है वो अननोन इम्पीडेंस को शो करता है, सेकंड पोर्ट हमारा नोन इम्पीडेंस को शो करता है, थर्ड पोर्ट जो कि एच आर्म होती है वो हमारी सोर्स वेव गाइड को शो करती है और फोर्थ पोर्ट हमारा नल डिटेक्टर को है। नॉन इम्पीडेंस जिसको हम शो करते हैं F1A3/√2 से, सोर्स वेव गाइड को हम A3 से डिनोट करते हैं, अननोन इम्पीडेंस की साइड हम F1A3/√2 से डिनोट करते हैं और नल डिटेक्टर को हम -A3/√2 F2(1/√2) से शो करते हैं। हमारा F1 और F2 ये हमारे रिफ्लेक्शन कोफिशियंट हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे चारों पोर्ट में से अगर दो पोर्ट भी इक्वल हो जाएं तो अनदर जो जंक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही परफेक्टली मैच हो जाते हैं, यानी कि अगर हमारे दो पोर्ट मैच कर जाएं तो हमारे अनदर दो पोर्ट भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली मैच कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम 1/√2(F1A3/√2)-A3/√2(F2)(1/√2=0) लेते हैं तो उस पर A3/√2, A3/√2 और 1/√2, 1/√2 आपस में कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास F1=F2 हो जाता है, यानी जो रिफ्रैक्टेशन कोफिशिएंट है वो F1-F2 के इक्वल हो जाता है, यानी कि टू पोर्ट हम कह सकते हैं कि ये परफेक्टली मैच कर रहे हैं। और अगर हमारे टू पोर्ट मैच करते हैं तो हमारे रिमेन टू पोर्ट्स भी ऑटोमेटिकली मैच कर जाते हैं और इस परफेक्ट मैचिंग को हम मैजिक टी बोलते हैं। हमारी मैजिक टी एज ए डिफ्लेक्सर भी वर्क करती है और इसका वर्क इम्पीडेंस मेज़र करने का होता है। ये इम्पीडेंस मेज़र कर सकते हैं, इसमें पोर्ट वन हमारे सोर्स
रिसीवर की तरह काम करता है, पोर्ट 3 हमारा लोड की तरह काम करता है, पोर्ट 2 हमारा ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, पोर्ट 4 हमारा एंटीना की तरह काम करता है। ट्रांसमीटर हमारा एंटीना को और लोड को सिग्नल सेंड करता है और एंटीना से रिसीवर पे हम सिग्नल को कैरी कर लेते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी जो मैजिक टी है वो डिफ्लेक्सर की तरह भी काम कर सकती है और मैजिक टी हमारे मिक्सचर्स करने का काम भी करती है, हमारे सिग्नल को मिक्स करने का काम भी करती है। इस तरह हम अपनी मैजिक टी से काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वर्क करती है। यह है हमारा मैजिक टी जंक्शन। ई और एच प्लेन के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोवेव टी जंक्शन, ई प्लेन एंड एच प्लेन जंक्शन।